हेलो एवरीवन, वॉइस ऑफ दीपमाला। एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से ये काम हम लोग मोबाइल से बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ एडोब स्कैन। ये बहुत ही अच्छा ऐप है और इसे बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कोई हैंड रिटन नोट्स है उसको स्कैन करना हो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स भी कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स या फिर आपकी कुछ बुक हो, बुक से आपको कोई मटेरियल लेना हो तो वो भी हम लोग स्कैन कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई बिजनेस कार्ड है उस कार्ड के आपके कॉन्टैक्ट को सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग इससे। ये बहुत अच्छा फीचर्स है। इसके अलावा आप फॉर्म को फिल करना हो, ये भी बहुत अच्छा है। कोई फॉर्म है आपका, हार्ड कॉपी है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, तो आप उस फॉर्म को लेकर के उसको फिल कर सकते हैं, उस पर अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे इसमें फीचर्स हैं, उसको हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपके पास आपको यहाँ पे आइकन्स दिख रहे होंगे एडोब स्कैन का। इसके साथ साथ बगल में एक और आइकन है एडोब एक्रोबैट का। तो जब भी हमें एडोब स्कैन का यूज़ करना है तो हम इस ऐप को भी डाउनलोड करेंगे, ठीक है। दोनों ही ऐप को हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो अगर आप एक भी ऐप को करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे ऐप का ऑप्शन दे देगा डाउनलोड करने के लिए, तो आप कर सकते हैं वहाँ से भी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? ऑब्वियसली प्ले स्टोर पे जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग प्ले स्टोर, ये देखिए ये प्ले स्टोर है, उस प्ले स्टोर पे जाएंगे। वहाँ पे आप एडोब, जस्ट एडोब सर्च बार में एडोब टाइप करिएगा, जैसे ही आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही ये दोनों ऐप दिख जाएंगे। तो आप उनमें से कोई भी एक ऐप कर लीजिए, ठीक है, दोनों कर लेंगे तब भी कोई बुराई नहीं है। जब आप फर्स्ट एडोब स्कैन किया आपने, एडोब स्कैन को आप जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ठीक है। क्या ऑप्शंस दिखेंगे? देखिए, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, लॉगिन करके रखा है, जिससे कि मैं आपको जल्दी से बता सकूं और वो बहुत ही आसान है। तो मैं खाली आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी कि कैसे स्कैन करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ क्या क्या ऑप्शंस आ जाएंगे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद जब प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई भी ऐप जैसे इंस्टॉल होता है वैसे ही होगा, तो क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर वो लॉगिन का ऑप्शन देगा, ठीक है। लॉगिन के ऑप्शन में दो तीन ऑप्शन आपके आ रहे होंगे कि आप गूगल से, जो भी आपके गूगल जीमेल पे अकाउंट बनाया हुआ है उससे लॉगिन कर सकते हो, एफबी लॉगिन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे दो तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, तो मैंने तो सिंपल गूगल वाला अपना जो भी आईडी थी उसको चूज़ कर लिया था। जो भी आपके मोबाइल में लॉगिन होगा उससे ये लॉगिन वो वाला जीमेल आईडी ले लेगा, तो मैंने अपना सिंपल वो आईडी दिया था तो वो उससे ले लिया इसने। तो उसी तरह आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद में फिर ये कुछ परमिशंस मांगेगा। जनरली सारे ऐप्स मांगते हैं आपके परमिशंस, तो कुछ आपके परमिशंस मांगेगा ऑब्वियसली। जैसे ये फ़ोटोज़ वगैरह है, कैमरा है आपका यूज़ करेगा तो उसकी परमिशंस मांगेगा, तो उस परमिशन को आप जो है वो अलाउ कर देना, ठीक। तो ये केवल फर्स्ट टाइम आएगा, जब आप फर्स्ट टाइम इसका यूज़ करोगे ना तभी आएगा, हमेशा नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ, ठीक है ना। तो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, तो ये आपका आएगा, आप अलाउ कर देना। अब बात आती है कि जैसे ही आप एडोब स्कैन को ओपन करोगे तो अब आपके पास कैसा इंटरफेस आएगा। तो देखिए, मैं अब ओपन करके आपको दिखा रही हूँ कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है आप जस्ट अपने कैमरे के नीचे रख लीजिएगा। अब मैं एडोब स्कैन को प्रेस करने जा रही हूँ, तो जब मैं यहाँ पे प्रेस करूँगी तो देखिए ये ओपन हो रहा है, खुल रहा है ये। तो ये देखिए, ये आपका ये कैमरा ओपन हुआ है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी, जैसे कि ये वाइट बोर्ड है ना, वाइट बोर्ड, ठीक है। फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कोई फॉर्म हो तो उसको ये ले सकता है,
वाइट बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, किसी वाइट बोर्ड की तरह आपको स्कैन करना हो, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है कोई डॉक्यूमेंट की तरह करना हो, और जो मैंने आपको बिजनेस कार्ड बताया था वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके बता देती हूँ, मैं डॉक्यूमेंट का बता रही हूँ बेसिकली आपको। और यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है, इसके थ्रू हम लोग इस पर प्रेस करेंगे तो ये क्लिक हो जाएगा। इसके साथ में बगल में ये ऑप्शन देखिए, अभी इस पर ऐसे क्रॉस का निशान आ रहा है ना, ये देखिए ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जब हम इस बटन पे, इस वाले बटन पे प्रेस करेंगे तब ये इस पर इसको प्रेस करेगा, ठीक। और जब हम इस ठीक है ना, और अगर हम ये जो क्रॉस लगा हुआ इसको हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको स्कैन कर लेगा। ये चीज़ें होती हैं इसमें, तो कि मेरा स्क्रीन बैकअप कर लेती हूँ, ठीक। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से ये स्कैन हो रहा है, ये देखिए ये आ गया। अब देखिए ये आ गया है आपका डॉक्यूमेंट। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये इसकी रोटेशन आपको चेंज करनी हो तो ये नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है, ये रोटेशन को चेंज करने का, तो वो कर सकते हैं। क्रॉप करना चाहें आप कुछ तो क्रॉप कर सकते हैं, कलर इसका चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्लीनअप करना चाहें इसमें कुछ तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको ऑप्शंस बताऊंगी, रीऑर्डर बाद में सबसे बताऊंगी कि कई सारे पेजेस आपने क्लिक करे उसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो वो ये ऑप्शन है। ऐड पेजेस, इसमें अगर अभी तो मैंने एक ही पेज क्लिक किया है ना, और अदर पेजेस अगर मैं क्लिक करने हो तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे लग रहा है कि इसका रोटेशन जो है वो मैं ठीक कर सकती हूँ, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से इसको रोटेट पे मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए इसका रोटेशन जो है वो ठीक हो गया। और अगर मुझे, जैसे मुझे लग रहा है कि कुछ पोर्शन मुझे क्रॉप कर सकती हूँ, तो मैंने इसको और थोड़ा सा क्रॉप करना चाहा तो इस तरीके से ये क्रॉप हो जाएगा। ओके कर दिया, जो ऊपर टिक का निशान था वो कर दिया, तो देखिए ये अब इसको कर रहा है। तो क्रॉप का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, रोटेट का ऑप्शन बता दिया, ठीक। कलर आपको चेंज करना हो तो कलर से आप यहाँ से डिफरेंट आपको ओरिजिनल कलर, ऑटो कलर, ग्रे, वाइट बोर्ड ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आप इसमें से कुछ भी चूज करके कर सकते हैं। तो ये देखिए ये ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपको कुछ भी करना हो, तो मैं फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कर रही, इसमें से कोई भी आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं ना, तो ये कर दिया। फिर उसके बाद में अब मैं दूसरा पेज ऐड करना है, तो जस्ट मैं कहाँ जाऊँगी, मैं ऐड पेजेस पे जाऊँगी और उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, टेक अनदर फोटो, कोई अदर फोटो आप क्लिक कर सकते हो, या सेलेक्ट फ्रॉम फोटोज़ फ्रॉम गैलरी, या फिर आप गैलरीज में ऑलरेडी जो फ़ोटो क्लिक करके रखी होंगी वहाँ से भी इसको ले करके स्कैन के फॉर्म में ला सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, तो वो बहुत आसान है। आप उसमें देखते, मैं यहाँ पे फ़ोटो दूसरा अनदर टेक फ़ोटो कर रही हूँ, और आपके सामने ये जो दूसरा डॉक्यूमेंट पेज है वो मैं आपका स्कैन कर रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्कैन करते हैं, जस्ट यहाँ पे मैंने ऐसे करके इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये आपका स्कैन किया इसने। कभी कभी ये ऑटोमेटिकली ले लेता है और कभी कभी एकदम थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो ये कर दिया, कंटिन्यू किया और यहाँ से क्लिक किया, और ये देखिए आपका ये बढ़िया से ये स्कैन हो गया, ठीक है। ये रोटेशन का फिर आपको चेंज करना है अगर, तो आप चेंज कर लिया, ठीक। क्रॉप का कुछ ऑप्शन करना है तो चलिए थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा क्रॉप करना चाहिए, तो यहाँ से कर दिया, ये आपका सही हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये तो हैंड रिटन था, अगर आपको चाहिए कि किसी बुक का करना है तो बुक को भी कर सकते हैं, तो फिर से ऐड पेजेस में गए, टेक अनदर फोटो, ये गए यहाँ पे, और इस बुक का एक पोर्शन जो है वो मैं स्कैन करना चाह रही थी, तो इसको स्कैन कर लेते हैं, ये तो ये पूरा है, मैं पूरा नहीं करना चाह रही हूँ, मैं इसका एक प्रोग्राम है जो छोटा था वही वाला करना चाह रही हूँ, तो ये लीजिए ये मैंने ये कर लिया और कंटिन्यू पे कर दिया, तो ये देखिए बढ़िया सा ये स्कैन हो गया है, ये देखिए आपको दिखा रहा है ये है, इसको फिर से मैं रोटेट करना चाह रही हूँ तो रोटेट कर लीजिए, तो ये आपका रोटेट हो गया।
अच्छा, अब इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्लीन अप का, तो वो मैं करके दिखाती हूँ। इसे आप क्या कर सकते हैं ना, इस पेज में आपको कुछ चीज़ें जैसे लिखी हुई हैं, जैसे यहाँ पे नीचे ये सब लिखा हुआ है, तो मैं चाह रही थी कि ये जो डेटा वाला ये नीचे लिखा हुआ वो मिट जाए, ठीक है, इस पेज पे। तो वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लीन अप पे टिक करेंगे। ये मुझे फीचर बहुत ही अच्छा लगा। तो अब आपको क्या करना है कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। आपको जो भी पोर्शन, जैसे देखिए ये अभी मैंने यहाँ पे जो भी पोर्शन करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला पोर्शन करना है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया, ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो गया, क्लीन हो गया, ठीक है। आप सही से करिएगा तो इस तरीके से आप इसमें क्लीन कर सकते हैं। मैं अंडू कर देती हूँ, ठीक है ना, अंडू कर दिया। तो आप इस तरीके से इसमें कोई भी पोर्शन है आप उसको क्लीन अप कर सकते हो, ठीक। ये देखिए ये करना हुआ तो ये आपका क्लीन अप हो गया, अंडू कर देती हूँ। तो आप अगर लिखा हुआ है पहले से, आप कुछ भी करना चाहें तो इस तरीके से उसमें क्लीन अप कर सकते हैं। ओके ठीक, चलो ये हो गया। तो ये ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है कि रीऑर्डर करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये किया तो देखिए ये 1 2 3 तीन पेजेस आ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि जो सेकंड वाला पेज है वो उसको मैं फर्स्ट कर दूँ, तो कुछ नहीं, जो भी आपको चेंज करना उस पेज को पे हम क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से ब्लू कलर आ रहा है, तो वो सेलेक्ट हो गया। अब उसको जहाँ भी ले जाना है, थर्ड पे ले जाना है या फिर 1 पे ले जाना है, तो उसको उस तरीके से वहाँ पे कर देंगे, है ना, इस तरीके से। देखिए अब इसको है, इसको चेंज करना है, तो इस तरीके से ऐसे चेंज कर देंगे। तो ये तीनों पेज आपके रीऑर्डर हो जाएंगे, आप जैसा आप चाहते हो उस तरीके से ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका स्कैन हो गया। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, अब ऐड पेजेस में आपको गैलरी से भी लेके दिखा देती हूँ कि सेलेक्ट फ्रॉम फ़ोटोज़, जो फ़ोटोज़ होंगे तो अलाउ कर दिया मैंने फ़ोटोज़ को एक्सेस करने के लिए। फर्स्ट टाइम जब भी आप कुछ करेंगे ना तो ये मांगेगा, ठीक। तो इस तरीके से इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखी हुई है वो आ रहा है। तो आप इसमें से जो भी आपको लगे ठीक, वो वहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक कुछ भी डॉक्यूमेंट अपना ले लेती हूँ, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आप यहाँ से अपना पिक कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे मैंने, देखिए कोई अच्छा सा मुझे लेना हो तो मैं उसको ले ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाला डॉक्यूमेंट मैं पिक कर ले रही हूँ, ये फोटो है, ये इसको मैंने पिक कर लिया। तो ये देखिए ये आपके स्कैन के फॉर्म में आ गया। अब इसको यहाँ से मैं इसको क्या करूँ, रीनेम करना हो तो यहाँ से आप रीनेम कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हैं, अभी करना चाहें तो। ये आपका मैं क्या रख दूँ, एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल स्कैन, ठीक है, कुछ भी नाम दे दीजिए। मैं एग्जाम्पल स्कैन देख रही हूँ, ठीक, सेव पीडीएफ। अब ये सेव कर रहा है, अब ये देखिए सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये सेव करने में। तो ये सेव हो गया आपका। अब ये अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट क्लाउड पे अपलोड कर रहा है, फिर रिकग्नाइज करेगा टैक्स को, है ना, और रिकग्नाइज करेगा टैक्स को, और उसके बाद में जहाँ ये प्रीव्यू लिखा हुआ है वहाँ पर ये आपका देखिए ओपन इन एक्रोबेट आ गया ना, तो ओपन इन एक्रोबेट हम यहाँ से करेंगे तो आपका ये एक्रोबेट में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक्रोबेट में ओपन हो रहा है, एडोब एक्रोबेट जो मैंने दूसरा बताया था ना ऐप, उसमें ओपन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए वो पहले से इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ ऑप्शन आता है उसको इंस्टॉल करने का। तो ये देखिए कितना बढ़िया से ये आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, जो अभी आपने स्कैन किया था। तो मैंने लैंडस्केप में किया हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादातर टीचिंग के पर्पज़ से बता रही हूँ। तो ये है कि इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ टू रिकॉर्ड मोबाइल स्क्रीन फॉर एजुकेशनल वीडियो, तो ये उसी का है। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये बड़े अच्छे से हो गया। अब आप इसमें चाहते हो कि कुछ भी हम कमेंट ऐड करें, है ना, तो कमेंट ऐड करना है तो आप सिंपल यहाँ पे देखिए इस पे, मैं फिर से बता दूँ ये आइकन कहाँ से आया, ये है आपका ये वाला, ये आइकन, इस पे हमें प्रेस करना है। तो इस पे देखिए प्रेस कर रही हूँ मैं, जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे इसमें।
तो इसमें देखिए दिख रहा है आपको कमेंट, फिल एंड साइन, एडिट पीडीएफ एंड ऑर्गेनाइज द पीडीएफ। अब देखिए एडिट पीडीएफ एंड, मैं आपको क्लिक करके बता रही हूँ, एडिट पीडीएफ एंड ऑर्गेनाइज पीडीएफ, ये तो आपके पेड हैं ठीक। बट कमेंट एंड साइन, ये आप इसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं इसमें, तो ठीक है। एडिट मैंने तो पीडीएफ करना नहीं है हमें, ऑर्गेनाइज पेजेस तो हम ऑलरेडी वहाँ पे कर चुके हैं ठीक है ना, वहाँ पे स्कैन किया और वहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं इन दोनों का यूज़ बता देती हूँ, कमेंट एंड फिल एंड साइन, इसका बहुत अच्छा यूज़ है। तो यहाँ से मैं आपको सबसे पहले कमेंट का बताती हूँ, तो जिस कमेंट पे क्लिक करेंगे, तो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। ये देखिए ये आपको इंटरफेस मिल रहा है, जो ये है ये आपका हाइलाइटर है, आपको कोई भी वर्ड हाईलाइट करके बताना हो। ये टूल उस टाइम पे बहुत अच्छा है जैसे कि आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, चाहे तो आप जूम पे पढ़ा रहे हैं या फिर आप क्या कहते हैं कि अपना वीडियो एजुकेशन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट है अपने नोट्स पे आपको कुछ हाईलाइट करना है या फिर आपको कुछ लिख के बताना है, तो वो चीज़ काम बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर स्टूडेंट्स की नोटबुक है उसको आपको चेक करना है जो कि आपको स्कैन फॉर्म में मिली हुई है, तो वो भी बड़े अच्छे आराम से इससे कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके ये इसमें पे, और जैसे ये वाला जो है इसमें किसी हमें कोई टेक्स्ट इसमें इंटर करना हो टाइप करके तो वो कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि किसी टेक्स्ट के नीचे अगर जैसे यहाँ पे लिखा है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना हो तो वो अंडरलाइन हो जाएगा पूरा इसको सेलेक्ट करके। और ये आपका पेन का ऑप्शन है कि इसके थ्रू पेन, जैसे मैं अभी तो ये इसके रिकॉर्डर में जो ऑप्शन है पेन उसके थ्रू लिख रही हूँ, फिर बाद में आप उससे भी लिख सकते हैं, वो काम करा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इसको करके देखते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट वाला ओपन करती हूँ, तो ये देखिए टेक्स्ट ओपन किया तो यहाँ पे ये टेक्स्ट देखिए ब्लू कलर का हो गया, और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर गोल गोल दिख रहा है आपको वहाँ से हम इसका कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए डिफरेंट कलर ऑप्शन आ रहा है, ये फॉन्ट जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, तो मैंने फॉन्ट बड़ा कर दिया, तो आप कलर भी चूज देते हैं, ब्लू कलर चूज़ है इसमें तो मैं ब्लू ही रहने देती हूँ। उसके बाद में देखिए इसे मैंने क्लिक किया, फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको, इस पर मैं इस डॉक्यूमेंट पे आपको जहाँ भी आपको टेक्स्ट इंटर करना हो तो इस पर ऐसे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो भी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया वेलकम है ना, तो आप इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये आपका ये देखिए ये आपका लिख गया। आपको कहीं इसको ड्रैग करके लाना था ऊपर नीचे तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये हो गया। अगर आपको हाईलाइट करना हो कुछ तो आप हाईलाइट पे मैंने प्रेस किया तो देखिए येलो कलर का यहाँ पे इसका कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैं इसको येलो ही रहने देती हूँ। अब जब हाईलाइट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ हाईलाइट करना है उसको आप इस तरीके से ये देखिए ऐसे स्वैप करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे करके छोड़ दीजिए, ये देखिए आपका ये एडोब स्कैन जो लिखा हुआ था वो आपका हाईलाइट हो गया ठीक है। आप इसको नीचे बढ़ा करके देखिए, ये और एक बार मैं आपको दिखा दूँ हाईलाइट कैसे करते हैं। ये देखिए जैसे लाइक एंड सब्सक्राइब को आपको करना है तो आप जस्ट यहाँ पे मैंने किया और इस तरीके से इसको कर दिया, तो ये देखिए ये आपका क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। इसी तरीके से शेयर पे तो ये आपका क्या हो गया, शेयर हो गया। प्रेस बेल आइकन तो ये क्या हो गया आपका, प्रेस द बेल आइकन, वो आपका हाईलाइट हो गया ठीक। आपको अंडरलाइन करना है तो आप इस पे वाले टेक्स्ट पे क्लिक किया, और आपको अंडरलाइन करना है तो जस्ट वहाँ पे ऐसे ले जाएंगे और उसको पूरा ऐसे करेंगे तो ये देखिए ये आपका अंडरलाइन हो गया ठीक है ना, ये आपका अंडरलाइन हो गया, पूरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो आपका पूरा का पूरा अंडरलाइन हो जाएगा ठीक। अब मैं आपको पेन का यूज़ करके दिखा देती हूँ, पेन का यूज़ भी हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए ये पेन आपको दिख रहा है, उस पेन पे क्लिक करेंगे तो रेड कलर का चूज़ करना है आपको, जो भी चूज़ करना हो कलर वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं ठीक। तो मैं ग्रीन ले लूँ, रेड ले लूँ, चलो रेड ही ले लेते हैं। तो यहाँ से इसका देखिए ये सब
एक मिनट, तो ये देखिए ये सब हम लोग उसका साइज भी पेन का चेंज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मोटा साइज ले लेती हूँ, ये ले लिया, ये अब बंद कर दिया। अब यहाँ से हम जो भी लिखना चाहें तो वो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। वेलकम वेलकम माय चैनल, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अंडू करना चाहें तो यहाँ से आप अंडू कर दीजिए। ये देखिए ये आपकी अंडू हो गया, ये देखिए ये क्या हो गया, अंडू हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप इसमें जा सकते हैं। आपको बंद करना है तो यहाँ पेन पे आएंगे, इसको बंद कर देंगे। तो ये आपका, आप इस तरीके से आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हैं। और ये देखिए ये इसमें तो आप देख सकते हैं कि एडोब स्कैन और एडोब एक्रोबैट फीचर में क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती है। मैंने आपको डॉक्यूमेंट का यूज़ करना बता दिया है, ठीक। अब मैं आपको फॉर्म का यूज़ करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, फॉर्म को फोटो क्लिक करेंगे। और अभी जैसे मैंने टैक्स इंटर करना बताया, तो जहाँ पे आपको जो भी फिल करना है वहाँ पे जाएंगे और उस टैक्स को इंटर करते जाएंगे, ठीक ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद में बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड ये बहुत अच्छा फीचर है, मैं ये अभी आपको बताती हूँ। ऐड पेजेस फ्रॉम गैलरी मैंने आपको बताया, फिल करना है कैसे वो बता दिया, साइन करना है अभी मैं आपको साइन करना बताती हूँ कि इस पर अगर आपको कुछ भी साइन करना है तो वो किस तरीके से आप करेंगे, है ना। तो वो भी हम लोग अभी इसमें करके देखते हैं कि हम लोग को साइन करना है तो वो कैसे करेंगे। इसी पे हम लोग क्लिक किया जहाँ पे हम लोग कमेंट में किए थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिल एंड साइन का ऑप्शन है। पहले हम लोग किस में गए थे, कमेंट पे गए थे, है ना। अब हम लोग जाएंगे फिल एंड साइन पे। तो फिल एंड साइन पे गए तो आपको इस तरह का ये इंटरफेस दिखने लगेगा। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक मिनट इसको बंद कर देती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे तो टैब एनीवेयर टू प्लेस टेक्स्ट, ये जैसे है तो यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आ रहा है, हाँ तो ये आ रहा है। तो आप इस पर यहाँ पे टेक्स्ट को इंटर करा सकते हैं। फिर अगर आपको ये किया हमने और इस पर, हाँ एक मिनट, कुछ क्रिएट सिग्नेचर किया तो यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ पे जो भी आप सिग्नेचर अपना करना चाहते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डन कर दिया। और डन करने के बाद में यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये देखिए ये मेरा सिग्नेचर जो भी है वो सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। आपको इसको जहाँ जितना बड़ा करना है और जहाँ पे पुट करना है ये कर देंगे। तो ये जो फीचर्स है, आप जैसे बच्चों की कॉपी है आपके पास और उसको आपको स्कैन करने की, कोई डॉक्यूमेंट है जिस पे कि आपको साइन लगाना है तो आप आसानी से साइन करके वहाँ पे लगा सकते हैं। या कोई फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म को आप स्कैन कर लिया इसे, फिर वो स्कैन हो गया, उसके बाद यहाँ पर अपना टैक्स इंटर करा के आपने फॉर्म को फिल कर दिया, फिर यहाँ पर साइन करा लिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो अगर आपको इसको शेयर करना है तो शेयर करने के लिए ये देखिए ये शेयर का बटन है, तो यहाँ से आप इनवाइट कर सकते हैं पीपल को ईमेल के थ्रू, ठीक है। या फिर आप शेयर ए कॉपी कर सकते हैं, शेयर ए कॉपी, ये जो आप करेंगे तो आपको व्हाट्सअप और गूगल क्लासरूम, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको जहाँ भी शेयर करना है, जैसे कि आपने अगर बच्चों के लिए बनाया है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बनाया है, तो आप चाहेंगे कि आप जो व्हाट्सएप पे आपने बच्चों का जो ग्रुप बनाया हुआ है उस पर हम ये नोट्स को सेंड कर दें, तो आप आराम से वहाँ पे, वहाँ से इस बच्चों के ग्रुप में आप इस डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं, इस नोट्स को। या फिर आपको क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में करना है तो वो भी कर सकते हैं, या फिर, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसमें वर्क कर सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा जो है वो आपका बिजनेस कार्ड का, वो मैं आपको ऑप्शन बताने जा रही हूँ अब। तो इसके लिए मुझे, मैं नया खोलूँगी और एक बिजनेस कार्ड आपको फिल करा के दिखाऊँगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा फीचर है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो, तो मैं आपको बिना बताए नहीं रह पाऊँगी कि वो क्या करेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो अब मैं इसको ओके कर देती हूँ।
और बैग जाती हूँ। ठीक है, बैग गए यहाँ से। अब मैं फिर से अपना ये आ गए हम लोग एडोब स्कैन में। फिर से स्कैन करने का ऑप्शन, कैमरा जहाँ पे बना हुआ है वो ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे जाएंगे। ठीक, तो अब देखिए ये जब आप यहाँ जाएंगे तो ये मैंने एक बिजनेस कार्ड रख रखा हुआ है, तो इस बिजनेस कार्ड पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। देखिए मैं नहीं, देखिए अभी ये तो डॉक्यूमेंट की तरह हो गया है, तो रीटेक में कर देती हूँ। ये मैं बिजनेस कार्ड पे जाऊंगी और इसको स्कैन करूंगी। ठीक है, तो ये क्योंकि मैंने इसके नीचे एक डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है इसलिए इसने पूरा ले लिया, नहीं तो ये एग्जैक्ट ले लेता है। ठीक है, ये देखिए कंटिन्यू। अगर आप चाहते हैं इसको फिर से करना तो फिर से करके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे ऐसे। अब ये देखिए ये बिजनेस का आज इसने कर लिया, ये पूरा आ रहा है। आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ऐसे। सेव पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ हो रहा है। जैसे ही आप देखें अपलोडिंग टू डॉक्यूमेंट फिर से आएगा ये। अब देखिए ये बहुत अच्छा फीचर था रहा, सेव कॉन्टेक्ट का जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे अभी आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसमें जो भी कॉन्टेक्ट है उसको आप सेव कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा है कि आपने कोई भी बिजनेस कार्ड लिया और उसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सेव कॉन्टेक्ट पे करूँगी और जब आप सेव कॉन्टेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये आ रहा है आपका बिजनेस कार्ड का फर्स्ट नेम ये आ गया, लास्ट नेम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, मेल आईडी स्कैन बाय डोस्ट के नोट्स में लिख के आ रहा है। तो ये उस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका सेव हो गया। तो इस तरीके से आप देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। फिर से रीटेक करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये फिर से आप रीटेक करेंगे तो अगर इसमें एक और ऑप्शन है फॉर्म का, ठीक है, फॉर्म का ऑप्शन है। तो फॉर्म पे क्लिक करके आप कोई भी फॉर्म है हार्ड कॉपी आप उसको करके इसकी सॉफ्ट कॉपी और फिर उस पर आप टैक्स को इंटर करा के उसको फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस इसमें हैं, तो जिसके की हेल्प से आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी और आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछिए, ठीक है, कमेंट्स करके पूछिए कि आपको ये कैसा लगा मेरा ये बताने का, ठीक है, और आपके ये कितने काम आया। ठीक है, इसके बाद मैं और भी बताऊंगी स्कैन करने के और भी तरीके हैं और भी चीज़ें हैं। तो ये एडोब बहुत अपने आप में यूनिक है और ये आपके अपने पीसी और लैपटॉप्स में भी अच्छे तरीके से यूज़ होता है, तो ये कोई ऐसा नया ऐप नहीं है। तो काफ़ी इस पर इसको यूज़ किया जा सकता है। पहले कैम स्कैनर वगैरह भी यूज़ हो रहे थे, इस पर अभी बैन लगा हुआ है, लेकिन मैंने जब ये ऑब्ज़र्व किया कि ये एडोब स्कैन इट इज़ बेस्ट ऐप यूज़ करने के लिए है, बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स भी हैं जो कि मुझे कैम स्कैनर में नहीं मिले थे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कैम स्कैनर यूज़ किया था और अब इसको यूज़ करना पड़ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नए चीज़ों के साथ आप। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जल्दी से अपने काम को करिए। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।